बेबी मैं नहीं कर पाऊंगी, आराम आराम से बेबी थोड़ा थोड़ा करके खाओ, थोड़ा थोड़ा करके खाऊं ताकि तुम जीत जाओ। चैलेंज जरूरी है अपने, डोज जरूरी है, मैं जरूरी है चैलेंज, जहां से ज्यादा जरूरी चैलेंज है। जय माता दी। अरे आराम से बेबी, आराम से अटक जाएगा। Hi friends, welcome back to our channel, which is Sambhavna Seth Entertainment. तो आज हम लोग आए हैं नया चैलेंज लेकर, और वो चैलेंज कौन समझाएगा? मेरा बेबी। तो आज का चैलेंज, जैसा कि आपने टाइटल में पढ़ा, बर्गर ईटिंग चैलेंज। लेकिन इस चैलेंज में एक खास बात है, बर्गर कैसे खाना है मैं बताऊंगा। ये है मैकडॉनल्ड्स का महाराजा बर्गर, यानी कि दो माले वाला बर्गर। हम दोनों इस बर्गर को खाएंगे, और जो कम से कम बाइट्स में इस बर्गर को खाके खत्म करेगा वो विनर होगा। यानी कि अगर मैंने इसको 10 बाइट में खाया और संभावना ने 12 बाइट में खाया तो मैं जीत गया। लेकिन अगर हम दोनों ने 10-10 बाइट में खाया तो उसके बाद शुरू होगा असली चैलेंज। यानी कि ये दो पानी की 1-1 लीटर की बॉटल रखी है, इसको एक सांस में जो जल्दी पी जाएगा बर्गर खाने के बाद वो होगा असली विजेता। तो बर्गर हम लोगों को मतलब साथ में खाने हैं? नहीं नहीं, एक एक करके खाना है। मैं खाऊंगा, तुम बाइट्स गिनोगी कितनी बाइट्स खाई मैंने। हाँ हाँ। फिर तुम खाओगी, मैं गिनूंगा। ठीक है। और अगर टाई हो गया तो उसके बाद फिर एक साथ बोलेंगे रेडी स्टेडी गो, बॉटल लगाएंगे मुंह से। ऑलराइट। लेकिन मेरे को लगता है ये तुम जीत जाओगे बेबी, क्योंकि तुम्हारा मुंह बहुत बड़ा है। तुमसे बड़ा नहीं है बेबी। नहीं, जबाड़ा तुम्हारा बड़ा ना, जबाड़ा बड़ा है। अरे बुरी तरह से एक चिकन का पूरा मुर्गा तुम अंदर कर जाते हो। हाँ देखो देखो, खा जाओगे तुम मेरे हिसाब से, इजीली खा जाओगे, इजीली। ये चैलेंज इसके लिए इतना इजी है कि पूछो मत। ये चैलेंज मैं बिना शुरू किए आपको बता देती हूँ कि ये विनर है। मैं बड़ा बड़ा बाइट नहीं खा पाऊंगी, और मेरी लिपस्टिक खराब होगी, उसका कौन हर्जाना पड़ेगा भाई? लिपस्टिक दोबारा लग जाएगी उसमें, क्या है? पानी की बॉटल हटा देते हैं, मेरी वाली मेरी तरफ दे दो। नहीं दही रखती हूँ ना। नहीं, तुम बहुत हंसी ठहाका करती हो ना, लात मार के बोतल ही फोड़ती, चैलेंज की ऐसी जैसी हो जाएगी। नहीं नहीं, मैं साइड पर रखती हूँ, मेरी महंगी बोतलें हैं, अमेजोन से मंगवाई थी। तो अभी शुरू करते हैं, और कौन करेगा पहले शुरू बताओ? लेडी करेगा, मेरा बेबी। पहले मैं करूंगा। हाँ। अच्छा, लेकिन अगर बीच में बर्गर अटक गया तो पानी पी सकते हैं? नहीं, क्यों पी सकते भाई? क्यों पी सकते? यही तो, यही वजह आएगा। इसके अटकता है, इसके अटकता है, इसके अटकता है, ब्रेड अटकती है। यहाँ थोड़ा सा चांस है, मुझे थोड़े से जीतने के चांस है। मैं जब भी ब्रेड वाली कोई चीज खाता हूँ ना, मेरे गले में अटक जाती है, मुझे पानी चाहिए होता है पहले घूट का। अरे अरे अरे, मैंने तुम्हें बोला था ज्यादा फैलना मत। अच्छा, फैली नहीं, मैं तो वैसे ही फैली हुई हूँ। शुरू करें? अरे बाप रे, तैयार हो? तैयार हो चैलेंज करने के लिए? अरे तैयार है भाई, तैयार हो? तैयार है ना? आ जाओ। बाइट नंबर वन। बेबी मैं नहीं कर पाऊंगी, बेबी कैसे करूंगी मैं नहीं कर पाऊंगी। अगर पानी मांगा बीच में तो चैलेंज खत्म। कितनी बाइट हो गई? एक ही हुई है, और कितनी होगी? आराम आराम से बेबी, थोड़ा थोड़ा करके खाओ, थोड़ा थोड़ा करके खाऊं ताकि तुम जीत जाओ। चैलेंज जरूरी है अपने, डोज जरूरी है, मैं जरूरी है चैलेंज, जहां से ज्यादा जरूरी चैलेंज है। जय माता दी। अरे आराम से बेबी, आराम से अटक जाएगा, अटक जाएगा। दो दो तीन, टेस्टी बहुत है। चार, आराम से बेबी, आराम से। चार हो गए, ये पांच माना जाएगा। नहीं नहीं, इसको मैं एक साथ खा जाऊंगा ना। ये लगाओ वापस, कोई चीज नहीं चलेगी, सब लगा के सब खा जाऊंगा। पांच, ओए होए कितना गंद मचा दिया तुमने अभी। छह, और मैं ये, मेरा तो मुंह बड़ा ही नहीं है इतना, मैं क्या करूंगी? मतलब दिखने में बड़ा है, खाने में बड़ा नहीं है। सात, आठ, आराम से दस बाइट करो उसको। नहीं मेरी कोई जरूरत वो नहीं है, मैं मार दूंगा बहुत चला को। नो, नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। मैं हार गई, मैं हाथ मुंह धो के आता हूँ, फिर संभावना का चैलेंज शुरू करेंगे। मैं कैसे करूंगी, मुझे नहीं समझ में आ रहा, ये जीत गया ऑलरेडी। मेरा मुंह इतना बड़ा नहीं है, मेरे से दिखने में ऐसा है, खाने में छोटा है, मैं खाने की छोटी छोटी बाइट्स लेती हूँ, मैं कैसे खाऊंगी इतना बड़ा? हाँ,
सो आई एम बैक. मैंने 9 बाइट में खाया है, तुमको भी 9 बाइट में खाना है. या तो 8 बाइट में तुम हार जाओगी, टाई करना है तो 9 बाइट, जीतना है तो 10 बाइट. जीतना तो 10 बाइट नहीं, अगर मुझे जीतना है तो. अगर तुमने 10 बाइट खाई तो मैं जीत गया ना. हाँ, और अगर मैंने 8 बाइट खाई तो भी मैं जीत गया. कैसे? हाँ, तो तुम जीत गई, तुमने कम बाइट में खाया और 9 बाइट में दोनों का टाई हो जाएगा. फिर अपन, मैं अब शुरू कर रही हूँ और मैं ऑलरेडी बता रही हूँ कि मैं हार गई हूँ. अरे ताड़का चाची, ताड़का. अरे बाप रे, अरे तुम तो सुरसा माई निकले. पूरा बर्गर खोखला कर दिया एक बाइट में. इंसान को लड़ने का जज्बा होना चाहिए अंदर. तुम्हारे अंदर खाने का जज्बा ज्यादा है. अरे बाप रे बाप, दो बाइट में बर्गर आधा. अरे अरे हिडिंबा कहीं की. अरे मैं तो कब का हार गया, मैं तो पहले बाइट में हार गया था. मुझे लगा मैंने बहुत अच्छा किया. यार मतलब आधे के मार्जिन से तो मत हरा, ये तो बहुत बेइज्जती हो गई. 3 बाइट में पौना बर्गर खाया यार. अब तो तुम 2 बाइट में खाओ या 3 बाइट में खाओ या 4 में खाओ, मैं तो फिर भी हरा हूँ. मैं गंदे जगह से हरा के रहूंगी, मैं छोड़ूंगा नहीं इसको. इतना डिफिकल्ट चैलेंज मैंने लेके आया ना, मैं छोड़ूंगा नहीं. अरे बाप रे बाप, 3 बाइट, चौथे में खत्म है. मैंने आखिरी बाइट खाई तो मुझे ऐसा प्राउड फील हुआ कि यस आई डिड इट. बाप रे बाप, बेबी बेबी पिछले जन्म में तुम बच्चों का खाना चुरा के खाती थी लग रहा है. मैंने जन्म में भी वही किया. अच्छा, हम दोनों ने आर्मी के कपड़े पहने हुए आज, कैमोफ्लॉज. हरकतें भी वही होनी चाहिए ना, फाइटिंग स्पिरिट वही होनी चाहिए. कहां है अंदर वो? ये चैलेंज में अंदर से था मुझे कि ये मैं ही जीतने वाला हूँ. ओ माय गॉड बेबी. तुम जीत गई, तुम जीत गई, मैं तुम्हें मानता हूँ तुम जीत गई. लेकिन पानी वाला कंटिन्यू करेंगे. कितनी बाइट हुई तुम्हारी? 4 नहीं, 5. 2 में तो आधा हो गया था, तीसरी में पौना हो गया था, फिर चौथे में, फिर पांचों बचा. चलो 4 हुआ या 5 हुआ, मैं हार ही गया. चलो जाओ, मुंह धो के आओ. माई गॉड, मैंने अपनी जिंदगी में नहीं सोचा था कि ये चैलेंज में हार जाऊंगा. यार मुझे लगा कि ये तो बहुत अच्छा मैंने स्कोर किया है 9 बाइट में. महाराजा बर्गर मैकडॉनल्ड्स का, मुझे क्या पता मैं चाची ताड़का से कंपटीशन कर रहा हूँ. मुझे लगा था ये बॉटल वाले तक नौबत ही नहीं आएगी. वो बॉटल वाला इसलिए रखा था कि चलो अगर वो हारने लगी तो बॉटल का भी उसको दे देंगे. ये तो उल्टा हो गया, मैं ही हार गया. कोई बात नहीं, कंटिन्यू करेंगे, कम से कम वहां अपनी इज्जत बचाऊंगा. पानी बेबी कहाँ हो? कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है. यह मैं जीतने के बाद बोल रही हूँ, उससे पहले मैं बहुत डरी हुई थी. लेकिन ऐसा हो जाएगा ये पता नहीं था. देखो, अगर आपके अंदर हिम्मत है, जोश है, जज्बा है, जुनून है, तो आप कोई भी कार्य को सिद्ध कर सकते हो. और ऐसे कितने आए और कितने गए. तुम तो नेता जैसे बात कर रहे हो, वोट मांग रही है. मतलब बर्गर खा के इतना एटीट्यूड. आओ बेबी, अभी भी करेंगे क्योंकि प्यास भी लग रही है हमें बहुत. लेकिन इससे ये कोई मतलब नहीं है, मैं जीत चुकी हूँ. लेकिन ये अगर मैं जीत गया तो फिर भी मेरे को थोड़ा तो तवज्जो मिलेगा. इज्जत तुम्हारी जा चुकी है भाई, इज्जत तुम्हारी मतलब तारों तार हो गई है. कोई बात नहीं, लेकिन इसमें मैं कुछ ना कुछ कर दूंगा. तो गो पे. हाँ चलो, एक सांस में कौन पहले पीता है? 1 2 3 गो. पहले मैंने रखी, तुम्हारा बचा भी है पानी. ये जीता, ये जीता. यस, देखा, कर दिया मुंह काला तुम्हारा हो चुका है. ये थोड़ा सा बचा है तुम्हारा, इधर इधर की साइड थोड़ी सी गोरी हुई है, बाकी तो मुंह अभी भी काला है तुम्हारा. खैर एनीवे, ये चैलेंज मैं जीत चुकी हूं. एक चैलेंज मुझे जीतने दो बेबी, एक चैलेंज मुझे जीतने दो. तो ये चैलेंज में बेकार आ रही बेबी, बहुत खा गई. मैं चैलेंज में जीत गई हूँ. और अब आप जरूर बताइए कि आपको अगला चैलेंज क्या देखना है, क्योंकि ये चैलेंजेस में बहुत मजा आ रहा है मुझे. आई एम लविंग इट. खाने के चैलेंजेस जरा बताना, खा लेंगे. और तो जैसे डाइट वाइट का टूटेगा ना मामला, वैसे ही चैलेंज फटाफट कर देंगे, फिर डाइट पे चले जाते हैं ना. तो आप लोग जरूर बताइए कि आपको हमारा ये चैलेंज कैसा लगा. एंड डू लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब टू आवर YouTube चैनल व्हिच इज समारा सेड. आ रहे हो आधा आधे पे हार गए बेबी.